वायरल वीडियो में हुई सुप्रीम कोर्ट की कोठी से तुलना, सीजीआई ने दे दी देख लेने की धमकी, जाने क्या है पूरा मामला। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ के पीछे हाथ धोकर पड़ गई है बीजेपी आईटी सेल, भर भर कर दे रही गालियां। सीजीआई के मां बहन को भी नहीं छोड़ा जा रहा, किया जा रहा आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल सोशल मीडिया में, सुप्रीम कोर्ट को बताया जा रहा वैश्यालय। यह बात पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट, एक वकील ने जताई चिंता। सीजीआई चंद्रचूड़ के साथ ऐसा पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी पूर्व कानून मंत्री ने सीजीआई चंद्रचूड़ पर काम चोरी के लगाए थे आरोप, सीजीआई चंद्रचूड़ पर नक्सलियों से साठ गांठ के लगवाए गए आरोप। लेकिन चीफ जस्टिस इन बातों का नहीं लेते लोट, साफ लफ्जों में कह दिया, मुझे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपने काम ईमानदारी से करता रहूंगा। अब सीजीआई ने ऑनलाइन ट्रोलिंग पर क्या कुछ कहा है, क्या तगड़ा जवाब दिया है, हम आपको पूरी कहानी बताएंगे। उससे पहले गुजारिश है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। सुप्रीम कोर्ट जजों को खुलकर दी जा रही गालियां। सुप्रीम कोर्ट में एक वकील ने उस आपत्तिजनक वीडियो का जिक्र किया जिसमें सुप्रीम कोर्ट के बारे में काफी अनर्गल बातें कही गई थी। वकील ने कहा, एक वीडियो में सुप्रीम कोर्ट की तुलना वैशाली से की गई है। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ ने जवाब दिया, कहा, चिंता मत करिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोर्ट की सुनवाई पर नजर रखने वाली वेबसाइट बार एंड बेंच के अनुसार वकील ने सीजीआई के सामने कहा, मेरी अंतरात्मा इसका समर्थन नहीं कर रही है, एक वीडियो है जिसे मणिपुर मामले के बाद जजों को दोगला कहा गया, सुप्रीम कोर्ट की तुलना वैशाली से की गई। सीजीआई चंद्रचूड़ ने क्या दिया सॉलिड जवाब। आपत्तिजनक वीडियो का जिक्र आने के बाद सीजीआई ने इसका जवाब दिया। सीजीआई चंद्रचूड़ ने कहा, चिंता मत करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक वीडियो प्रसारित हो रहा है, उसे हम देख लेंगे। बता दें कि सोशल मीडिया पर सुप्रीम कोर्ट और जजों को लेकर कई बार आपत्तिजनक टिप्पणियां की जाती रही हैं। विपक्षी दल ने भी राष्ट्रपति से की थी शिकायत। विपक्षी दल ने भी कुछ महीने पहले सीजीआई चंद्रचूड़ की ऑनलाइन ट्रोलिंग को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से शिकायत की थी। मार्च महीने में 13 विपक्षी दलों के नेताओं ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की ऑनलाइन ट्रोलिंग के खिलाफ तत्काल कार्रवाई का अनुरोध किया था। पत्र में क्या लिखा था, राष्ट्रपति को लिखे गए पत्र में कहा गया था, हम सभी जानते हैं भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ महाराष्ट्र में सरकार गठन और राज्यपाल की भूमिका के मामले एक महत्वपूर्ण संवैधानिक मुद्दे पर सुनवाई कर रहे हैं, जबकि मामला अदालत में विचाराधीन है। ट्रोल आर्मी ने भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ आक्रामक अभियान शुरू कर दिया, शब्द और सामग्री गंदे और निंदनीय है, जिसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाखों में देखा गया। सीजीआई ने भी उठाया था ऑनलाइन ट्रोलिंग का मुद्दा। वहीं पिछले दिनों चेन्नई में आईआईटी मद्रास के 60वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए सीजीआई ने भी ऑनलाइन ट्रोलिंग का मुद्दा उठाया था। कहा था, सोशल मीडिया ने हमें उम्र और राष्ट्रीयता की बाधाओं को दूर करते हुए लोगों से जुड़ने की अनुमति दी है, लेकिन इससे ऑनलाइन दुर्व्यवहार और ट्रोलिंग जैसे नए व्यवहार को भी जन्म मिला है। इसी तरह एआई में व्यक्तियों का दुरुपयोग करने, गुमराह करने, धमकी देने, यहाँ तक कि धमकाने की क्षमता होती है। हानिकारक उद्देश्यों के लिए इसके दुरुपयोग को रोकना आपके लिए प्रमुख चुनौतियों में से एक होगा।